वाई फाई से मुझे बचाओ भैया, फ्री वाई फाई ढूंढते ढूंढते बैटरी आपकी खत्म हो जाती है या नहीं हो जाती है। मैंने कहा बैटरी खत्म हो गई तो कहते हैं हमने फ्री बिजली लिया है, चार्ज करा लो। केजरीवाल बाबू ये बिल लेकर लोग खड़े हो गए, 200 यूनिट से कम लोगों का भी 6-6 हजार का बिल आ गया है, 5-5 हजार का बिल आ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नांगलोई में जनसभा को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे, हमें वोट दीजिए। ये केवल आम आदमी पार्टी है जो अस्पताल स्कूल बनवाने के लिए जनता का वोट मांग रही है। केजरीवाल ने कहा कि अगले 5 साल में दिल्ली में कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार हर जगह स्ट्रीट लाइट लगवाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग सरकार को काम देखकर वोट देंगे। मैंने पिछले 5 साल में दिल्ली के बड़े बेटे की जिम्मेदारी निभाई है, आम आदमी पार्टी ने बिना भेदभाव के काम किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष दिल्ली सरकार को लेकर झूठ फैला रहा है। केजरीवाल ने कहा कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड घर घर तक पहुंचा रहे हैं, जब तक दिल्ली में केजरीवाल सरकार रहेगी बिजली और पानी मुफ्त रहेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष को शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार बताया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, देश के खिलाफ नारे लगवाए जा रहे हैं। अब लोगों को तय करना है कि उन्हें जिन्ना वाली आजादी चाहिए या भारत माता की जय। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में दिल्ली में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, बड़े बड़े दावे करके आने वाले केजरीवाल सब कुछ भूल चुके हैं और केवल मुफ्त में पानी और बिजली देकर अपने आप को काबिल सिद्ध करने का दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में कुछ भी नहीं है। केजरीवाल सरकार एक तरफ टैक्स बढ़ाकर पैसा वसूल करती है तो दूसरी तरफ बिजली पानी फ्री कर देती है, इसे फ्री सुविधा नहीं कहते। टैक्स देने वाली जनता का पैसा सही काम में इस्तेमाल होना चाहिए। दिल्ली के मॉडल टाउन सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा को पाकिस्तान वाले बयान पर दिल्ली चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में नोटिस दिया गया। कपिल मिश्रा ने कहा था कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। आचार संहिता के उल्लंघन पर जारी नोटिस को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि वो अपने सच पर पूरी तरह अडिग हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि शाहीन बाग जैसे आतंकी मूवमेंट से दिल्ली को हाईजेक किया जा रहा है, जिसका संविधान के दायरे में रहकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 698 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। बीजेपी दिल्ली में करीब 10,000 नुक्कड़ सभाएं करेगी।